हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं अच्छी हूँ, आई होप आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। आज का वीडियो है बॉडी और फेस स्क्रब। ये मैंने DIY बॉडी स्क्रब बनाया है। आई होप आप सब ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हो। अभी तक अगर नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, ताकि आपको मेरा वीडियो सबसे पहले मिले। और सब्सक्राइब करके रेड बटन को ग्रे में कन्वर्ट कर दीजिए। तो DIY बॉडी और फेस स्क्रब बना रही हूँ, तो स्किन को ये कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, ऑल स्किन टाइप है, मेल फीमेल बोथ यूज कर सकते हैं। सारा इंग्रेडिएंट्स घर का चाहिए तो आप इजीली आप यूज़ कर सकते हैं इसको। लॉकडाउन में आपको बाहर जाके ख़रीदना भी कुछ नहीं पड़ेगा, घर में ही सब कुछ मिल जाएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। चावल का आटा, थोड़ा सा हल्दी और मसूरी दाल। मसूरी दाल को अभी मैं ग्राइंडिंग करके इसका पाउडर निकाल लेती हूँ। और अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप किसी भी चावल को ग्राइंडिंग करके उसका आटा निकाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने मसूर दाल को ग्राइंडिंग कर दिया है, इसका पाउडर निकाल लिया है। तो मसूर दाल स्क्रबिंग के लिए बहुत अच्छा काम करता है। ये हमारे स्किन का पोर टाइटन करता है, टैनिंग को रिमूव करता है हमारे स्किन को, और ब्राइटन करने में हेल्प करता है। राइस फ्लोर का पाउडर सनटैन को रिमूव करने में हेल्प करता है, सनबर्न को रिमूव करता है। बहुत अच्छा नेचुरल सनस्क्रीन का भी काम करता है हमारे स्किन के लिए। और हल्दी हमारे रंग रूप साफ करने में हेल्प करता है, दाग धब्बों को हमारे स्किन से दूर करता है। तो यहाँ मैंने एक बाउल ले लिया है, इसमें मैंने सारा मसूर दाल का पाउडर दे दिया है, चावल का पाउडर। अगर आपके पास राइस फ्लोर नहीं है तो आप किसी भी चावल को ग्राइंडिंग करके इसका पाउडर बना सकते हैं। ये बहुत अच्छे से स्क्रबिंग का काम करता है और अच्छे से मिला लिया है। मसूर दाल यहाँ मैंने 4 चम्मच लिया है, तो चावल का उनका पाउडर मैंने 3 चम्मच लिया है। और स्क्रबिंग के लिए काम आता है ये, स्किन को ब्राइटन करने में हेल्प करता है, टैन को रिमूव करता है आपके फेस से, बॉडी से। एंड राइस फ्लोर आपके स्किन में सनस्क्रीन का काम करता है, सनटैन से आपको बचाता है। आपके पास चावल का आटा नहीं हो या मसूर का दाल का पाउडर नहीं हो तो आप कोई एक को चूज कर सकते हैं। अब एक एयरटाइट कंटेनर लेके इसको हम उसमें प्लेस कर देंगे। मैंने वाव का एक खाली कंटेनर था तो मैंने इसको यहाँ यूज किया है। बदले आप यूज कर सकते हैं। अब जो हल्दी हमने लिया था इसको यहाँ प्लेस कर देते हैं। यहाँ जो कच्चा हल्दी होता है उसका पाउडर लिया है, किचन वाला हल्दी आप यहाँ ना लीजिए, यूज ना करिए, इसको ऐसे मिक्स कर दीजिए। इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, तीनों का तीनों पाउडर दे दिया है। इसको आप 1 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। किसी भी साबर जेल या दूध के साथ आप यूज कर सकते हैं, या नॉर्मल पानी से भी आप यूज कर सकते हैं। आप इसको किसी भी एयरटाइट कंटेनर में डाल के रख सकते हैं। बस इसमें ध्यान रखिए पानी बिल्कुल भी नहीं चढ़ना चाहिए, अगर पानी गया तो पूरी तरह से खराब हो जाएगा। इसमें ले लिया मैंने थोड़ा सा ये मिक्सिंग पाउडर पानी मिलाकर। लिया है मैंने, अब दिखाती हूँ आपको कैसे यूज करना है इसको। इसको मैं अपने हाथ पे ट्राई करके दिखाती हूँ। पानी के साथ मिलाया है, आप दूध या साबर जेल भी यूज कर सकते हैं इसके बदले। आप बॉडी पे इसको डेली यूज कर सकते हैं, फेस पे वीकली 2 टाइम्स यूज कर सकते हैं, कोई हार्म नहीं करेगा आपके स्किन या बॉडी को।
इसको मैं वॉश करके आती हूँ, आपको दिखाती हूँ। अपने हैंड को वॉश कर लिया है, ये इंस्टेंट ग्लो प्रोवाइड करेगा। आप डेली डेली अगर यूज़ करेंगे, आप ध्यान रखिए पानी नहीं जाना चाहिए, तो आप 1 महीने के लिए इसको स्टोर भी कर सकते हैं। कहीं सामान यूज़ किया गया है तो इसमें कोई भी केमिकल नहीं है, आराम से बेझिझक आप यूज कर सकते हैं इसको। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, और ऐसे ही मेरे वीडियो देखते रहिए। लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।